नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 जनवरी के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब जबकि ये मार्गस्थ भी हो चुका है, उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में राहु और नेपच्यून का भी भ्रमण है। आपका जो अष्टमेश है वो भी आप ही के राशि का स्वामी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वे भी आप ही के राशि पर है, और आपके जो राशि का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको शारीरिकता से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर मानसिकता से रिलेटेड, मतलब स्ट्रेस टेंशन ये बातें भी नहीं होंगी। सिर्फ एक बात है कि करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब जनवरी 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपका ट्रैवलिंग वगैरह काफी ज्यादा हो सकता है, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम, किसी का कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, वो करीबन 20 तारीख के बाद आपके बहुत ज्यादा जोरों पर चलेंगे। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, बस यही बात है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको मेंटल या फिजिकल किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचमेश जो शनि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए, जो शनि है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, वो स्वयं की राशि में है, पंचम भाव में है, और वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी भी साबित होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश शुक्र, जैसे मैंने कहा कि वो आपके द्वितीय भाव में है, 19 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो लाभेश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपका जो इनकम होगा या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, इनकम के स्रोत आपके लिए काफी अच्छे तरीके से होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि राजयोग कारक ग्रह स्वयं की राशि में है, तो आपके लिए पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, और यदि लॉन्ग रन में यदि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो इसके जो आउटपुट है वो इस महीने में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए ये तो ये संपूर्ण जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा, खास करके पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की किल्लत आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है आपके पंचम भाव में, काफी अच्छी बात है, महत्वपूर्ण भी है, खास करके आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो माहौल होगा वैसे देखा जाए तो काफी नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि लव लाइफ आपकी किस प्रकार की होगी। लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी जो लव लाइफ होगी वो काफी ज्यादा स्मूथ चलेगी, कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग रन में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके लिए काफी बेहतर साबित होगी, उसमें काफी अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हो। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो शुभफलदायी साबित होगा, खास करके जो गर्भवती महिला है, तुला राशि की जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण जो कालावधि है जनवरी 2024 का वो शुभफलदायी साबित होगा, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो विवाह सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके सप्तम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है, गुरु और हर्षल का, और आपका जो सप्तमेश है मंगल, देखिए आपके राशि के लिए मंगल जो है
वो काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, खास करके विवाह सुख के मामले में। तो अब ये जो मंगल है जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि जो तृतीय भाव का जो मंगल और आपका जो सप्तमेश है या फिर आपका जो धनेश है तृतीय भाव में, तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम देखना है इनके साथ, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, खास करके जो विवाह करना चाहते हैं, मतलब तुला राशि के जो व्यक्ति है जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी देखा जाएगा। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक जो मैंने बात कही कि इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, खास करके शुरुआत से ये बात होगी, लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में जो एक्टिवनेस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी आपने करीबन दिसंबर के महीने में भी देखा होगा कि थोड़ा सा घूमना फिरना आपका ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो बातें हैं वो इस महीने में आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये संपूर्ण महीना है आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, ग्रह योगों के जो परिणाम है वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, छोटी मोटी बातें हो सकती है, खास करके आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा होने की संभावना बन रही है इस कालावधि के दरमियान, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है, थोड़े से आपकी जो विचार होते हैं आपकी जो स्टेटस होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है, तो उसी के परिणाम स्वरूप थोड़े खर्चे ज्यादा इन दिनों में हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस समय में मतलब करीबन 8 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिलेटेड निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका घूमना फिरना इन दिनों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को हर्षल और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही शुभफलदायी योग होगा, इन दिनों में बहुत ज्यादा आपका घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें इस दरमियान हो सकती है, काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे वैसे देखा जाए। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और मंगल का लाभ योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपके जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से आपका कटेगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहे हैं। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल है जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। गुरु बुध का जो त्रिकोण योग है वो आपके सप्तम और तृतीय भाव में होने जा रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। जो भी काम आपके नहीं हो रहे हैं वो आपको अब आपके इन दिनों में पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस दिन में ही मतलब दिनांक 19 तारीख को ही नेपच्यून और शुक्र का केंद्र योग भी है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में है और जो शुक्र आपके तृतीय भाव में आएगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है, तो स्वास्थ्य की समस्याएं इन दिनों में छोटी मोटी आपको आ सकती है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण भी आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके तृतीय भाव में होगी, उसके दो परिणाम आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है। एक तो बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। देखिए इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना, आप इसमें थोड़ा सा फंसने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है इन दिनों में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को
ये जो 28 तारीख है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 तारीख को बहुत ज्यादा शुभ योग होने जा रहे हैं। जैसे कि दिनांक 28 तारीख को बुध और अर्चल का त्रिकोण योग होने जा रहा है, गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके तृतीय और सप्तम भाव से। उसी प्रकार शनि और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। जैसे कि हर्षल और बुध का जो त्रिकोण योग है उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे, उसके ऊपर जरूर काम करना। इसी प्रकार गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो इन दिनों में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है, हालांकि जो संपूर्ण महीना है जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सही होगा। विवाह मतलब एंगेजमेंट होना या फिर प्रत्यक्ष विवाह होना, इस प्रकार की बातें इन दिनों में, इस संपूर्ण महीने में हो सकती है। शुक्र और गुरु का, शुक्र और शनि का लाभ योग है, वो भी आपको अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको दे सकता है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को हर्षल और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह जो त्रिकोण योग है वो भी काफी खास है, खास करके जो विवाहित है उनके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा सरलतम देखी जाएगी। बहुत ज्यादा आप इन दिनों में एक्टिव हो जाओगे, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं जरूर इस संपूर्ण महीने में आप हाथ में ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि यह जो संपूर्ण महीना है इसमें जो त्रिकोण योग है वो ज्यादा है, जो कि काफी ज्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं, और वह भी आपके तृतीय और सप्तम भाव से रिलेट करने वाले हैं। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में भी बहुत सारे ग्रह आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, और जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का भाव माना जाता है। अब ये जो पराक्रम है या फिर ये जो एक्टिविटी है वो आपकी इनर कोर है, मतलब वो जो एक्टिविटी है बाहर से नहीं दिखेगी, लेकिन आपके मन में बहुत ज्यादा प्लान तैयार होंगे और वो किस तरह से इंप्लीमेंट करने हैं इसके बारे में भी काफी ज्यादा मालूमात आपको लोगे, या फिर प्रत्यक्ष इंप्लीमेंटेशन की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम जो कि रुके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, इस संपूर्ण महीने में पूरे होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं जैसे मैंने कहा, उनके लिए भी जो समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इस महीने की जो अमावस्या है वो 11 तारीख को है और वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहे थे। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इन दिन में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बस यही बात है। लेकिन इस महीने के जो पूर्णिमा है वो काफी खास है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 25 तारीख को, 25 जनवरी को, और उसी दिन गुरु पुष्यामृत योग भी है। तो पूर्णिमा मतलब चंद्रमा को जो बल है वो काफी ज्यादा रहेगा और उसी समय गुरु पुरुषामृत योग भी है। तो अगर आपको कोई खरीदारी करनी चाहिए करनी है सोने चांदी के मामले में तो आप इन दिनों में कर सकते हो, उसके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। इस समय की इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है बहुत ज्यादा एक्टिविटी वाला होगा। आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत सारे आपके जो काम है वो जो कि नहीं हो रहे हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था तुला राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।